ये है किंग फिश सुरमई, असल एक नंबर सुरमई जो है, वन स्टैम पे जो है ना 1600 रुपये। अच्छा ये वाइट पॉपलेट है, ये 1600 रुपये बता रहे हैं। ये 800 रुपये। और ये मुश्का है, ये 400 रुपये। ये तकरीबन आपको पड़ेगी 1300 रुपये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आ गया मूसा कॉलोनी फ़िश मार्केट, जो शहर के बीचों बीच है। इससे पहले भी मैंने फ़िश की वीडियो बनाई थी फिशी मार्केट के अंदर, तो आपने बड़ी पसंद करी थी, तो इसलिए मैं शहर के बीचों बीच लेके आया हूँ आपको मूसा फ़िश मार्केट के अंदर, मूसा कॉलोनी की। तो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे, इसके रेट भी अपडेट करेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको सारी तफसील मिल सके। आए वहाँ से इमरान भाई भी हमारे साथ है और पूछते हैं, इमरान भाई क्या ले खरीदे थे? अल्लाह का शुक्र भाई, आप बताएं भाई। बस अल्लाह का शुक्र। ये फिश मार्केट इसके हवाले भाई, एक तो इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये शहर के बिल्कुल बीच में, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगी ताज़ी मछली और सारी वैरायटी, वो भी होलसेल रेट पे। मतलब आपको फिशरी जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है, फिशरी भूल जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, आपको वही माल यहाँ पर। वालेकुम अस्सलाम। बताइए ये किस्सर कहलाती है, नाम है इसका डामा। अच्छा जी, क्या किलो पड़ती है ये? सस्ती है तकरीबन 450-450। ये मुश्का है, बोरा मुश्का, ये क्या हिसाब पड़ती है? ये 400 रुपये। ये झींगा, झींगा जेरा, एक नंबर जेरा झींगा है ये। हाँ, टाइगर के बाद इसका नंबर आता है जेरा। अच्छा हाँ, ये क्या हिसाब पड़ता है? ये तकरीबन आपको पड़ेगी 1300 रुपये। 1300 रुपये किलो? जी जी। ये अलग है क्या? ये अलग है, साइज का फर्क है। अच्छा, ये क्या हिसाब है? ये तकरीबन आपको पड़ेगी 1000 रुपये। 1000 रुपये? 1000 रुपये। ये कौन सी है? ये बैराकुंडा है, यानी कि पुन है, ये पुन है, पुन, मगर ये ब्लैक है, इसमें एक आता है वाइट। अच्छा हाँ, वाइट महंगा है, ब्लैक सस्ता है। और ये वाली? ये कहलाती है कैटफिश, हग्गा। अच्छा जी, ये हग्गा क्या हिसाब चल रहा है? हग्गा ये 350-300, इसका कोई रेट नहीं होता। ये कहलाती है हमें वो फरा। ये क्या हिसाब चलती है? ये भी 400 रुपये। 400 रुपये किलो। इसके अलावा भी आपके पास? इसके अलावा भी है मीठे पानी का, ये है धोतर, धोतर ओल्डी धोतर। ये क्या हिसाब है? ये आपको पड़ेगी तकरीबन ये 800 रुपये। 800 रुपये? 800। ये हैमर जग, ये क्या हिसाब है? ये भी तकरीबन आपको पड़ेगी 750। ये मुल्ला है, शेरी, वाइट गोश्त की मच्छी है, बड़ी बेहतरीन मच्छी है ये भी। ये भी तकरीबन आपको 800 रुपये। 800 रुपये समंदरी मच्छी तकरीबन जो है ना इस टाइप की, वो तकरीबन 850-800। महंगे में आपको एक सुरमई मिलेगा। ये कौन सी है? इसको कहते हैं हम वो ककान। ये क्या हिसाब पड़ेगी? ककान भी आपको 700 रुपये पड़ेगी। 700 रुपये पड़ेगी। ये कौन सी है? ये भी वही मुश्का है, बोरा मुश्का जी। और ये है रेड स्नैपर हीरा। ये क्या हिसाब पड़ेगी? ये हीरा तकरीबन आपको पड़ेगी 900 रुपये। 900 रुपये ओरिजिनल एक नंबर हीरा। हाँ, ये है किंग फिश सुरमई, असल एक नंबर सुरमई जो है। हाँ, अमूमन ज़्यादातर लोगों को जो है ना, जो नए खाने वाले, उनको नहीं पता होता है, तो बाहर जो है ना अक्सर क्या करते हैं, जो सारा माती है ना उसको सुरमई बना के देते हैं। असल जो सुरमई होगी वो इस तरह की होगी, ये देख रहे हैं आप। सारम अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तकरीबन इस टाइम पे जो है ना 1600 रुपये की। 1600 रुपये किलो? 1600 रुपये। अच्छा, मार्केट से रेट कम है? यहाँ पर रेट आपको मार्केट से जो ना सेम मिलेगा, ज़्यादा नहीं, कुछ 150 का फर्क होगा, मगर यहाँ ये है कि आपको चीज़ एक नंबर मिलेगा, धोखेबाजी नहीं होगी। अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि बाहर अक्सर जो ना, पता क्या होता है, जिनको पहचान नहीं है, सारम को सुरमई बना के देते हैं, मगर ओरिजिनल सुरमई जो है, ये मैं आपके तबस्सुम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल सुरमई जो होगी ना वो ये होगी, इसकी आप पहचान देख लें, ओरिजिनल सुरमई ये होगी। हाँ, और आपकी टाइमिंग क्या है मार्केट की? हमारी टाइमिंग है कि सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन रात 10 बजे तक के। रात 10 बजे तक तो छुट्टी कोई नहीं होती? कोई छुट्टी कोई नहीं होती, बकरा ईद का 3-4 दिन छुट्टी होता है, बाकी तो आप समझ लें जून जुलाई ये 2 महीने थोड़ी बहुत दुकानें खुली रहती है, बाकी तो ज़्यादातर बंद रहता है, क्यों, माल बंद होता है, यही छुट्टी होती है। थैंक यू। वालेकुम सलाम। बहुत ज़रा बताएंगे ये कौन सी मछली है? ये कवई मछली। क्या हिसाब है? ये 400 रुपये। 400 रुपये किलो जी। ये दूसरी? ये हीरा। हीरा ये क्या हिसाब है? इसके मांगने के रेट तो 800 रुपये, देने वाले पड़ेंगे 700 रुपये, ये आधा किलो 3 पाव का दाना है।
ये सारम है, सारम ये तकरीबन आपको 500 रुपए किलो पड़ेगा। 500 रुपए कितना वेट होगा ये? तकरीबन 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो के दाने होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। और ये मुल्ला शेरी मछली, इसको इंग्लिश में शेरी कहते हैं, मुल्ला। ये क्या कहा है? ये 700 रुपए किलो पड़ेगा आपको। और ये वही हीरा है। अच्छा, हीरा ही जी। और ये धोतर है। धोतर ये क्या है? ये वाला 800 रुपये। 800 रुपये इससे आगे? वही शेरी मुल्ला, छोटा मुल्ला है ये। और आगे ये दंडी है, पिले पर वाला दंडी है। ये क्या हिसाब है? ये आपको पड़ेगा 600 रुपये। 600 रुपये एक नंबर पिले पर वाला दंडी है। ये वाइट कून रखा हुआ बड़ी वाली। ये क्या हिसाब है? ये 900 रुपये किलो। 900 रुपये जी। इसके बराबर में साफ़ी है, हीरा है बड़ा। ये क्या हिसाब? साफ़ी ये 700 रुपये, हीरा ये 850 रुपये। और ये झींगा? झींगा ये जेरा झींगा है। ये क्या हिसाब है? के रेट मांगने को 1200 है, देने वाले फाइनल 1000 रुपये पड़ेंगे आपको। 1000 रुपये जी। एक ही रेट है? नहीं, ये वाला 900 रुपये है, ये फाइनल 700 रुपये, ये 800 हो जाएगा फाइनल। अच्छा, साइज में फर्क? हाँ, छोटे बड़े का साइज में फर्क। ये दुल्हन मछली है, ये हीरे की नस्ल है ये भी। ये दुल्हन मछली जी। अच्छा, ये वाइट पॉपलेट है, ये 1600 रुपये बता रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बाकी तकरीबन ये काफ़ी आइटम्स मैंने आपको दिखा दिए इसके अंदर। काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी मूसा कॉलोनी में, शहर के बीचों बीच ये मार्केट है, देख सकते हैं इनके पास सारी चीज़ें हैं और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ दुकानें हैं फिश की। ये देखें, गाड़ी से अभी फ्रेश माल उतर रहा है, ये अभी अभी आया है, ये देख सकते हैं। अभी देखें माल आना शुरू हो गया है, अब देखें फ्रेश माल आ रहा है इनके पास। यार ये कौन सी है यारी बच्ची? टंगा बोलते हैं इसको, हरा कांटा। क्या हिसाब है ये? ये 400 रुपये। 400 रुपये किलो। मुनासिब रेट होता है यहाँ, फ्रेश होता है रोज का रोज माल है। और ये कौन सी है? कौन सी? बांगड़ा। बांगड़ा बांगड़ा ये क्या हिसाब है? ये भी 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। और ये बहुत ताज़ी है, 24 घंटा भी नहीं हुआ इसको पकड़ेगा माशाल्लाह। ये कौन सी? और वो बरसात में आती है बॉम्बिले। बॉम्बिले ये सूखा हुआ मिलता है हमेशा आप लोगों को, ये सिर्फ 2-2.5 महीने बारिश में जो ना। क्या हिसाब है ये? ये वाली है 250 रुपये। 250 रुपये किलो। ये काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, हर किस्म की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। शहर के बीचों बीच ये मार्केट है, फिश मार्केट आप देख सकते हैं। ये जो है कैप्टन है, जो कि 600 रुपये किलो है। ये देखिए, ये भी माल ताज़ा ताज़ा फ्रेश बिल्कुल पिछली से आया है। ये कौन सी है मछली जो होती है? ये सारा में भाई जी। ये कितने किलो का पीस होगा ये? 3 किलो, 4 किलो, हर साइज है, स्टैंडर्ड साइज। 3 किलो, 4 किलो, हर साइज। अच्छा, ये अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये इसी टाइम आती है? इसी टाइम आती है, 11 बजे आती है ताज़ा फ्रेश मछली सुबह। अच्छा, सुबह की 11 बजे आती है, फिर दोपहर में 2 बजे आती है। हर दो टाइम माल आता है, दो टाइम माल आता है। खट्टे से आता है, फिशरी से आता है, ब्राह्म हैदरी से आता है। रश आप देख सकते हैं, आप रश देखें माशाल्लाह, काफ़ी रश है शहर के बीचों बीच। रश देखें, काफ़ी बड़ी दुकान है ये देखें आप, पब्लिक का काफ़ी रश है, काफ़ी ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं। ये शहर के बीचों बीच मार्केट है, आप रस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, फिशरी से काफ़ी की रेट। अच्छा, ये थी मूसा कॉलोनी की फ़िश मार्केट, जो मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताई है और काफ़ी बड़ी मार्केट थी, और इसके सारे रेट भी अपडेट करें। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट से ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।